दोस्तों आज से हजारों साल पहले भारत में एक बहुत अच्छे डाइटिशियन हुआ करते थे और वह इस औहदे के डाइटिशियन थे कि उनके समान पूरे विश्व में कोई डाइटिशियन था ही नहीं, यानी कि उस समय विश्व के सबसे बड़े डाइटिशियन। वैसे तो दोस्तों आयुर्वेद बहुत पुराना है, लेकिन उनको हम कहते हैं फादर ऑफ आयुर्वेद। और आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो है महर्षि चरक। तो महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में भोजन करने से जुड़ी ऐसी तीन बातें बताई हैं जिसमें आपको जिंदगी भर, वैसे आज के समय के हिसाब से कहें तो आपको जिंदगी भर न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। जी हाँ, जिस तरह से आज व्यक्ति पोषक तत्व को ध्यान में रखकर भोजन का सेवन करते हैं या आहार का सेवन करते हैं, ठीक उसी तरह से आज हम जानने वाले हैं कि प्राचीन समय में किस तरह से पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कौन कौन सी विशेष बात का विशेष करके ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे पहले महर्षि चरक बोलते हैं कि आपको खाना खाना है तो गर्म ही खाना है। गर्म को हम कह सकते हैं कि आपको ताजे आहार का ही सेवन करना है। जैसे कि अगर आपने कोई रोटी या सब्जी बना ली है तो कम से कम 45 मिनट के अंदर अंदर उस आहार का सेवन कर ही लें, क्योंकि 45 मिनट बाद क्या होगा कि उसके पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। शायद महर्षि चरक को ये बात 3500 साल पहले पता होगी, तो इसीलिए ही वह कहते हैं कि ताज़ा ही आहार का सेवन करें, गर्म आहार का सेवन करें। और इसके साथ साथ वह कहते हैं कि अगर व्यक्ति गर्म आहार का सेवन करेगा तो उसकी जठर अग्नि इससे बढ़ती है, भूख खुलकर लगती है, खाने में रुचि पैदा होती है, खाना अच्छे से पच जाता है, इससे व्यक्ति को एक शुद्ध टकार आती है, इससे पेट में गैस नहीं बनती। और भी गर्म आहार का सेवन करने के ऐसे तरह तरह के फायदे होते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, जो है कि महर्षि चरक बोलते हैं कि स्निग्ध आहार का सेवन करें, यानी कि चिकने आहार का। और यह स्निग्ध आहार का सेवन करना यह ठीक उतना ही जरूरी है जितना गर्म आहार का सेवन करना जरूरी है, क्योंकि स्निग्ध आहार हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है, हमारे शरीर को पोषण देता है, हमारे शरीर की ग्रोथ करता है। स्निग्ध आहार का सेवन करने से हमारे शरीर का बल बढ़ता है। अब आपको कुछ स्निग्ध आहार के उदाहरण बताऊं, जैसे कि दूध, घी, रोटी, उड़द और जाने तो राजमा, बादाम, अखरोट। आप कर सकते हैं तेल का सेवन। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि यह हमारे शरीर को बढ़ाती है, पोषण देती है। अब अंत में तीसरे नियम पर महर्षि चरक बोलते हैं कि व्यक्ति को 6 के 6 रस का सेवन, यानी कि मीठा, खट्टा, कशैला, कड़वा, तीखा और नमकीनी आहार का सेवन करना चाहिए। यानी कि जब व्यक्ति भोजन करता है तो उसके आहार में, उसके भोजन में यह 6 के 6 स्वाद मौजूद होने चाहिए। क्रम की बात करें तो व्यक्ति को सबसे पहले मीठे और खट्टे आहार का सेवन करना चाहिए, इसके बाद व्यक्ति को नमकीनी और तीखे आहार का सेवन करना चाहिए, और अंत में व्यक्ति को कशैले और कड़वे आहार का सेवन करना चाहिए। इस तरह से अगर व्यक्ति 6 रस को ध्यान में रखकर व्यक्ति आहार का सेवन करता है तो उसके शरीर में जिंदगी भर कभी भी उसके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर और यह स्वाद यह भी इन 5 तत्वों से ही मिलकर बने हुए हैं, यानी कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।